नमस्कार, विंध भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महंगाई में बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल, कमिश्नर कार्यालय के सामने दिया धरना। आपको बता दें कि देश सहित प्रदेश में लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र पांडे एडवोकेट के नेतृत्व में सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति महोदय के नाम से संभागायुक्त कार्यालय में ज्ञापन पत्र सौंपा गया। समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में जिला इकाई रीवा की ओर से एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन है, जिसमें मैं राम सिसोदिया संभागीय संगठन प्रभारी रीवा समाजवादी पार्टी, जिसके आंदोलन का नेतृत्व हमारे युवा जिलाध्यक्ष कमलेंद्र पांडे जी कर रहे हैं, उनके साथ में हमारे प्रदेश के नेता एमडी खान साहब भी हैं, हमारे अधिवक्ता साथी भी हैं। आज हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन जिला मुख्यालय पर और तहसील मुख्यालयों पर चलाया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश के अनुसार आज पूरे देश में एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन है, और ये सत्याग्रह आंदोलन इसलिए है कि जिस तरीके से देश के राष्ट्रपिता जो स्वतंत्रता संग्राम के समय पर सत्याग्रह आंदोलन के जो जनक हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अखिलेश यादव जी ने आज 25 अगस्त को पूरे देश में एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन चला करके उन्होंने कहा है कि देश को बर्बाद करने वाले इस देश को छोड़ो, देश की सत्ता छोड़ो, यानी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा है तुम्हारा समय समाप्त हो गया। 1947 में अंग्रेजों का समय समाप्त हुआ था, अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी का समाप्त समय हो चुका है, इसलिए इस देश के आतताइयों, इस देश के भ्रष्टाचारियों, भारत छोड़ो। पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते यह पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रमण पटेल जी के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि 25 तारीख को महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया जाएगा। इस सत्याग्रह में 11 बिंदुओं को जो प्रदेश से तय है, वही 11 बिंदुओं के लोगों ने सत्याग्रह किया, और यह सत्याग्रह 11 बजे से होना था, लेकिन बरसात होने के कारण हम लोगों का यह सत्याग्रह 12 बजे से चालू किया गया और 3 बजे तक सत्याग्रह रहेगा, और इसके तुरंत बाद हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता 11 सूत्री मांगों को लेकर माननीय आयुक्त महोदय को राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन सौंपेंगे। क्या है 11 सूत्री मांगे? 11 सूत्री मांगे हैं हमारी, है मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराई जाए, मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण लागू किया जाए, बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में खाली पदों पर अति शीघ्र भर्ती की जाए, मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए तथा किसानों का समस्त कर्जा माफ़ किया जाए, OBC छात्रों की छात्रवृत्ति जो बंद कर दी गई है उसे पुनः चालू की जाए, 9वां पॉइंट है अघोषित बिजली कटौती बंद की जाए, 10वां है चिकित्सा एवं शिक्षा प्रदेश में मुक्त की जाए, 11वां आयुष्मान कार्ड योजना की जांच कराई जाए। इन 11 मुद्दों पर आज हम लोगों का समाजवादी पार्टी के बैनर तले सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया।